कान्हा, हमारे गांव के ग्वाले सुरक्षित है और वो असुर। कान्हा तुम ठीक तो हो ना? शांत हो जाओ। शांत हो जाओ कान्हा, तुमने जो त्रुटियां की है इसलिए मैया ने तुम्हें दंडित किया था। किंतु अब मैं भी जानती हूँ कि तुमने ये त्रुटियां जानबूझकर नहीं की थी, क्योंकि तुम तो उन सब से व्यंग ले रहे थे कान्हा, और तुम्हें इस बात का ज्ञात तक भी नहीं था कि तुम्हारा स्वंग इतना गंभीर हो जाएगा। चलो कान्हा, अपनी त्रुटियों के लिए यशोदा काकी से क्षमा मांग लो। काकी भी बहुत चिंतित हैं। और हमें गांव वालों की सहायता भी तो करनी है ना कान्हा, वो सबके सब बहुत दुखी हैं। हाँ राधा, तुम चलो, मैं अभी आया। कान्हा, कब तक वृंदावन वासियों को पंचासुर का आतंक सहना होगा? आज अग्निसुर को मारा किंतु कल वो पंचासुर वृंदावन के लिए कोई नई समस्या खड़ी कर देगा। दाऊ, आप उचित कह रहे हैं, मुझे पंचासुर का अंत करना ही होगा। मैं प्रण लेता हूँ कि आज सूर्य डूबने से पूर्व पंचासुर का अंत हो जाएगा। अंत तो उसका होता है जो पंचासुर को चुनौती देने का दुस्साहस करता है। मेरे एक दो असुरों को नष्ट करके वो मूर्ख कृष्णा ये सोचता है कि वो मुझे मार सकता है। नहीं, मेरे शक्तियों के विषय में उसका भ्रम उसके लिए और भी घातक सिद्ध होगा। अरे इतनी तीव्र पवन, पंचासुर, हाँ, हाँ, पंचासुर, सबको, अरे, मेरी पकड़, पंचासुर शांत हो जाओ, सबको नष्ट हो जाएगा, अरे, शांत हो जाओ, पंचासुर शांत हो जाओ। जाने क्या होगा? चुप हो जाओ यशोदा, धैर्य रखो। इतना मत सोचो, कान्हा आ जाएगा, उसे डांट लेना, लेकिन इस तरह से परेशान मत हो। गड्ढे में गिरे लोग तो स्वस्थ हैं, किंतु गायों के अस्वस्थ होने के कारण लोगों की दुर्गति बढ़ती जा रही है, और ऊपर से ये कान्हा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है।